सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं और वो हम लोग का बिहार का स्पेशल एक चीज़ है, उसी पे बना रहे हैं। तो बिहार में लगा हुआ है आम महोत्सव 2024, ये देखिए। और ये राजभवन में इस बार कार्यक्रम किया गया है, तो हम लोग अभी चल रहे हैं राजभवन और ये रहा हम लोग का पास। और अभी चलेंगे हम लोग राजभवन में अंदर और आप लोग का दिखाएंगे आम का वेरायटी कितना सारा, बिहार का आम सारा है वेरायटी जो। बिहार में आम लीची है। अरे नहीं, तो आम फेस्टिवल है ना, तो इसमें सिर्फ आम का है। तो सगाज हम और ये रोशन दोनों मिलकर चल रहे हैं और ये गाड़ी देखिए हम लोग यहाँ पे पार्क कर दिए हैं आराम से और चलेंगे अब राजभवन में अंदर। तो मिलते हैं अंदर राजभवन में, बाय। तो गाइस, अब हम लोग इंटर कर गए हैं राजभवन में। वो वाला नहीं है जब हम लोग आते थे शपथ ग्रहण में, तो यहाँ अंदर ही हम लोग फोर व्हीलर जाते थे। इस पर बाहर ही गाड़ी लगाना है, सबको पैदल ही अंदर जाना है और मस्त सजाया गया इस पर। तो और हमको लग रहा है ना कि रात में भी यहाँ पे वो है, मेनली रात में है, बेसिकली लाइट वाइट लगा है भाई। अरे यार, तो हम लोग को रात में आना चाहिए था और हम लोग आ गए दिन में। और अब चलते हैं अंदर और सारा चीज़ दिखाते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे पूरा आम का लगा हुआ है मेला, सभी प्रकार का आम है और बिहार का हर जिला का आम है जो वहाँ का प्रसिद्ध आम है, फेमस आम है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है जो गेमिंग का बना हुआ है केंद्र, यहाँ पे एक तरह से आम से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, KYC KBC टाइप का, कौन बनेगा करोड़पति उसी टाइप का। और यहाँ पे विनिंग प्राइज है टी शर्ट ही है ना। हाँ, टी शर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे विनिंग प्राइज टी शर्ट और गेम खेलने के बाद आपको आम दिखाते हैं हम। ये देखिए पूर्णिया परमंडल का आम है, कृषि विज्ञान केंद्र। और यहाँ पे छोटा छोटा बड़ा बड़ा सभी आम है, देख सकते हैं। और ये कोसी परमंडल कृषि विज्ञान केंद्र। गाइज, रोशन भी एक अपना यहाँ पे डाल दिया है कैबिन, ये देखिए ये इसका है। और ये इससे पूछते हैं क्वेश्चन कुछ आम के बारे में, क्या क्या पता है ये कौन सा आम है, देखो सब पे लिखा है भाई कौन सा आम है, इसको खुद नहीं पता ये कौन सा आम है जो। चलो आगे चलते हैं। तो गाइज, इतना सारा आम का वैरायटी है कि हम तो एक ब्लॉग में पूरा कर नहीं पाएंगे, बट हम वीडियो सबका डाल देंगे। आप कमेंट करिएगा कि सबसे बढ़िया आम कौन सा है और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये देखिए ये कुछ अच्छा लग रहा है हमको, पैकिंग वैकिंग इसका बहुत बढ़िया से किया गया है। ये कौन सा आम है भैया? बम्बई आम है। ये बम्बई आम है, कहाँ का है? सीतामढ़ी का। अरे ये तो सीतामढ़ी का, अपना ही तरफ का है। और ये जर्दा, ये जर्दा इतना ही साइज रहता है किसका, और बड़ा होता है? जर्दा इतना ही साइज होता है। और ये बोल रही है ये कौन सा आम है? ये बैगिंग है, इससे हम डाल दिए जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा प्रभाव ना हो, कोई केमिकल छिड़काव कर तो उसके ना आते। अच्छा, ये पैक का अच्छा है, उसके मतलब पेड़ पे ही लगा देते हैं, पेड़ पे ही लगा देते हैं, पेड़ पे लगा के। अगर ये आम हमको देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? ये आम जो है वो इस टाइप का, इसका खेती किया जाता है, पेड़ में ये लोग कवर लगाते ताकि कीड़ा मकोड़ा और केमिकल से इफेक्ट ना हो। और भी एक आम है जो कि बढ़िया से पैकिंग किया गया है, उसको देखते हैं। ये देखिए सब के लिए दूसरा, सब लोग हैं सर, हम लोग
करने वाले में सर। ये भागलपुर का आम है और ये आम का क्या नाम है अंकल? बस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जर्दालू है, छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। जर्दालू, ये देखिए जर्दालू है भागलपुर का, इसको खोलिए ना। ये देखिए कितना पीला पीला है, इसका साइज यही रहता है ना? हाँ, 185 ग्राम से 250 ग्राम, बस 250 ग्राम लास्ट है इसका। और ये सिर्फ खाने में ही आता है या अचार अचार भी बनता है इससे? नहीं, अचार फचार क्या बनेगा, तो मगा का अचार बनता है यार, तो ये यहाँ पे जो मेला में जितना सारा आम है इसमें सबसे महंगा आप ही का आम है? सबसे महंगा, चूंकि ऑर्गेनिक है। कैसे केजी है? ये केजी नहीं है, पीस में बिकता है। कैसे पीस? ये पाँच पीस का 200 रुपया, 10 पीस का 400 रुपया, और 15 पीस का मेरा बैग था, पैकेट खत्म हो गया। ये पैकेट कितना का है? ये 200 रुपये का। ये 5 पीस का, 5 आम का एक डब्बा है, ये 10 आम का एक डब्बा है, इसका कीमत है 400। जर्दालू का कुछ इस तरह से रेट है, बाकी और सब देखते हैं और उस सबका कैसा कैसा रेट है। हम लोग को तो ये दो अच्छा लगा, इन लोग का पैकिंग मस्त था, और फिर एक आम वहाँ पे भागलपुर का वो भी देखते हैं, तो चलिए वहाँ पे। गाइस हम लोग अभी आए हैं भागलपुर वाला आम, जर्दालू एंड किटरानी अग्रो, अरे उसका तो कंपनी का नाम है भाई, कंपनी का नाम है भागलपुर का। ये कौन सा? ये भी जर्दालू है, पर इसका साइज और कलर डिफरेंस है। ये देखिए इनका स्टॉक भर भर के पड़ा हुआ, 3 केजी का एक बॉक्स है जो 3 केजी का आता है। ये कैसे रेट है इसका भैया? ये कैसे है? 500 पर इसमें कितना केजी रहता है? एक पैकेट 3 केजी होता है इसका, वे हार्वेस्टिंग करते हैं, जो हमारा इसमें देख सकते हैं। हम लोग को मिलेगा आदेश, ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं गाइस। तो देख लिए 500 रुपये केजी और 500 रुपये पैकेट है, 3 केजी आता है उसमें, और सब इधर है आम, और ये आम का इधर प्रोडक्ट भी बनाया गया है। ये क्या अंकल? यह ग्रीन मैंगो सो स्कॉच। चाहिए आम का बहुत सारा प्रोडक्ट है बना हुआ। पूसा, ये पूसा कहाँ का भाई? आम पूसा कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? तो गाइस यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आम, ये कौन सा आम है भैया? बेंगलोरा मैंगो, जो कि बिहार में हो रहा है, बेंगलोर छोड़ करके भाई। ये खट्टा रहता है या मीठा रहता है? अभी और बड़ा होता है ये? अच्छा, नहीं अभी और देखते हैं। सबसे बड़ा इसमें यही है कि इससे और भी बड़ा है? बाप, मतलब 5 केजी का ये काम होता है? 5 केजी का ये काम होता है कि? चलिए, ये कहाँ का है? राजभवन में ही होता है। अरे तेरी के, देखिए ये अपना ही आम है, ये राजभवन का आम है, इतना बड़ा बड़ा। ये क्या नाम है? राजभवन में इसका पेड़ है, और कहीं बिहार में इसका पेड़ नहीं है? वही तो देखे, बेंगलुरु का आम है जो राजभवन में इसका खेती किया गया, राजभवन में इसका पेड़ है। कितना पेड़ है यहाँ पे इसका? बोरे इसका कितना पेड़ है राजभवन में? दो ही पेड़। चलिए राजभवन में दो ही पेड़ है इसका। तो गाइस और चलते हैं, ऐसा ऐसा यूनिक जो आम है हम आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस अब आ गए हैं इसका दूसरा पार्ट में, एक पीछे था और ये दूसरा पार्ट है, और इसमें आपको दिखाते हैं यहाँ का मैप बनाया हुआ और उस पर आम रखा हुआ, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया है। जो देखिए ये भागलपुर का है, सहरसा के पास सहरसा का बोर रहा, समस्तीपुर का है, दरभंगा का है, इस तरह से सभी जगह काम रखा गया है। वहाँ पे जर्दा है चंपारण का, ये बक्सर का है, ये पटना का है, दुधिया मालदा पटना का फेमस है। देखिए और भी हम आप लोग को दिखाते हैं अच्छा अच्छा आम। ये देखिए ये छपरा का लगा हुआ है, जहानाबाद नवादा गोपालगंज शेखपुरा जमुई लखीसराय बेगूसराय खगड़िया मुंगेर
बांका भागलपुर इस साइड इस टाइप से सभी जगह काम लगा हुआ है यहाँ पे। और इसमें और इस साइड देखते हैं कि सबसे यूनिक कहाँ काम है, जो आइए आप लोग को दिखाते हैं। ये लखना है, लखना गोपाल भोग हिम सागर मल्लिका और कुछ है भैया फजली बीजू है नहीं रगड़ रहे हैं आप बताइए ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका भी फजलिया नाम है कटिहार का। ये रहा गुलाब खास, गुलाब खास में रहे लग भी रहा, कहीं गुलाब तो कहीं गुलाबी तो कहीं येलो, हर कलर का इसमें। ये बम्बैया, ये बम्बैया अमरपाली, ये अमरपाली नहीं छूना नहीं है, ये मालदा, ये देखिए बड़ा बड़ा आम, ये देखिए कितना बड़ा आम है, सो इसका नाम क्या है, फजली, ये फजली है, बता रहा हूँ नाम को, राम प्रसाद लीला माधेपुर राजेंद्र प्रसाद यादव अरे यार आम का नाम क्या है, लंगड़ा देखे आम कभी आप लोग, ये देखे ये लंगड़ा गाइस, और लंगड़ा आम देख के कैसा लगा आपको, और ये देखिए एकदम पतला पतला आम है, ये देखिए इसका नाम क्या है, किरवी, बहुत बहुत तरीके का आम है यहाँ पे, और सब कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं चल चल के हम लोग। देखिए यहाँ पे लखा हुआ टोकरी में भर भर के पूरा आम, अमरपाली मलिका फजली मालदा भरत भोग, ये देखिए ये भरत भोग है, सीपिया आम है गाइस, बहुत छोटा है, ये कौन सा आम है भाई सबसे बढ़िया लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है, ये लिखा हुआ नहीं है गाइस बट पता नहीं इसका, शायद ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेम सागर इस नाम आम का नाम है हेम सागर। सो गाइस आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा, आप लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और हम लोग पानी पी लेते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग आज तो 15 तारीख था, 16 तारीख हम लोग फिर आएंगे, और फिर जो भी बचा खुचा होगा आम उसका वीडियो हम लोग बनाएंगे, और वो शाम में हम लोग आएंगे, तो बहुत ज़्यादा धूप है बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, और जो अंदर है उसमें एसी लगा हुआ है और बाहर में कोई एसी नहीं है भाई, इसलिए पूरा पसीने पसीने हो गए, पानी पीते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए लाइक करिए शेयर कीजिए।